हेलो गाइस, वेलकम टू रमेश डीजे ब्लॉग आजमगढ़। तो आप लोग कैसे हो? मेरा नाम है रमेश और आप लोग बताइए कैसे हो। अच्छे हो तो भाई कमेंट करके बताना कैसे हो। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जो कि है हमारे हैं डाल्टनगंज, जो कि सारे डीजे सेटअप का वीडियो बनाने के लिए। और जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ भाई साहब, वीडियो नहीं डालने का मेरा ये था, ऐसे था कि मेरा कैमरा मोबाइल ख़राब हो गया था पंकज भाई के सेटअप से, जो कि मैं महाशिवरात्रि में गया हुआ था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। बट कोई ना, अब न्यू फ़ोन लिया और जितना अपडेट होगा, मैं नया नया अपडेट जितना भी आएगा मैं आप लोग को देता रहूँगा। और आप लोगों को बता रहे हैं डाल्टनगंज बहुत, मतलब कभी तो गया नहीं था, अब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वीडियो देखा हूँ बाकी लोग भाई लोग का, वहाँ पर भाई सब बहुत बोले तो क्या ही बोले, बहुत तगड़ा तगड़ा सेटअप वहाँ पर आ रहा है। और साजन भाई का भी सेटअप वहाँ पे है, और लड़कन भाई का सेटअप है, जय भोले पंकज भाई का, और शशि भाई का तो वहाँ पे आप लोगों को पता है टोल प्लाजा के पास में। आप लोग देखेंगे चैनल पे उनके, शशि भाई के जो भी वो वीडियो डाल चुके हैं, मैं भी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जाके। और बाकी जैसा जैसा अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को रास्ते भर चल के आपको दिखाता रहूँगा। और एक बात और है आप लोगों से कि देखिए, वीडियो हम लोग बनाते हैं, थंबनेल हम लोग को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो जितना भी रिलेटेड रहेगा, न्यू अपडेट रहेगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे जैसे रहेगा मैं तुरंत का तुरंत वीडियो डाल दूंगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर आप लोग देखते रहिएगा। जैसे हम लोग थंबनेल बनाते हैं ना, टाइम लग जाता है कि ऐसे थंबनेल बनाए ये, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थंबनेल मैं बाद में बना लूँगा फिर, क्योंकि मेरा यहाँ पर थंबनेल बनाने में एक टाइम बीत जाता है। बट कोई ना, वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ आल्ट वाल्ट वीडियो बना बना के मैं अपलोड करता रहूँ। जैसा जैसा होगा, जितने टाइम घंटे जितने भी होगा, मैं जितना जैसे जैसे होगा मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो। और थंबनेल वंबनेल बनाने में तो ही जाए आप लोगों को टाइम लगता है ये, पर कोई ना, जैसा होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे और जाएंगे वहाँ पूरा फुल वीडियो। मेरे ख्याल से तो बूम बाम होने वाला ही है, और अभी तो देखते हैं वहाँ पे। और शशि भाई भी तो बोलते हैं वहाँ पे, उनका तो सेटअप जाहिर सी बात है दूर है वहाँ पे, अब चल के दिखाएंगे। भाई मुझे तो इतना मालूम नहीं, क्योंकि मैं भाई यूपी से हूँ, यूपी आजमगढ़ से, मुझे तो उतना नॉलेज है नहीं कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है कैसे नहीं। बट कोई ना, अगर जाएंगे तो जैसा जैसा होगा मैं अपलोड करके आप लोग को वीडियो दिखाता रहूँगा, और लाइव भी आऊँगा, आप लोग लाइव में ज्वाइंट हो जाइएगा, ठीक है। आप लोग भाई साहब क्या बताएं आप लोग, नेक्स्ट होता है ना एक्साइटमेंट देखने के लिए। मैं जाऊंगा, जिससे जिससे वीडियो रहेगा मैं आपको प्रॉपर डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने बनाने में थोड़ा यही इशू है, टाइम लगता है। बट कोई ना, अगर आप लोग वीडियो रेगुलर देखना है बोले तो बना बना के तुरंत अपलोड कर दूंगा, बना बना के अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देख लीजिए पूरा ए टू जेड। ऐसे रहता है ना, थंबनेल कोई देखता है तभी। और हाँ, जहाँ कंपटीशन हो सकता है तो होगा, तो मैं वो वीडियो जरूर कैप्चर करूँगा, ठीक है। और बस इतना ही रहेगा, और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा, और आप लोग देखते रहिएगा। और आप लोग हाँ, कृपा करके आप लोग से थोड़ा सा निवेदन है कि आप लोग शेयर करिए, जितने लोग देखते हैं उतना लोग अगर लाइक कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कहता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, एक सेकेंड यही बोलता रहता हूँ हरदम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मजाक कर रहा हूँ, कोई है कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो फिर बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और रेगुलर अपडेट डालता रहूँगा, हो सकता है कल भी बना के डालूंगा, परसों भी डालता रहूँगा, ठीक है। और बाकी वहाँ पे मिलते हैं, पहुँचेंगे जैसे जैसा होगा, जितना ब्लॉग रहेगा सारा का सारा ब्लॉग मैं डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करो भाई अपने रमेश भाई को, यूपी से और जा रहे इतने दूर डाल्टनगंज वीडियो बनाने के लिए, जितना होगा उतना मैं प्रॉपर वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ डाल्टनगंज, जितना होगा उतना वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ, ठीक है। बाकी भाई वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।